कॉलेज कब स्टार्ट होता और बस पास कब देना, उसको थोड़ा कंपेयर करके स्टूडेंट लोगों को बस पास देना बोल के एबीवीपी आग्रह करता है। राज्य भर में देखे तो 2500 हॉस्टल्स है, फिर बाद में उस हॉस्टल में विद्यार्थी लोगों को फैसिलिटी बोले तो 250,000 विद्यार्थी लोगों को रखने का फैसिलिटी है, फिर भी पिछले साल 90,000 विद्यार्थी लोगों को हॉस्टल नहीं मिला है। वो विद्यार्थी लोग कहाँ रहना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, यहाँ विषय के बारे में सरकार और ऑफिसर लोग भी विचार करना चाहिए। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadala Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. July 12th ko राज्य भर में हम प्रतिभटन करने वाले हैं। इसका कंटेंट है जो राज्य में विद्यार्थी लोगों को हॉस्टल समस्या हो रहा है और बस पास इशू जो भी है वो भी हो रहा है और सभी विश्वविद्यालय में एकीकरण एक रूप वेड़ापट्टी बोल के लाना बोल के एबीवीपी डिमांड करता है। विद्यार्थी लोगों का कॉलेज स्टार्ट होता जून जुलाई में, लेकिन इन बस पास देने के लिए 2 मंथ्स लेट करके बस पास देते हैं, फिर बाद में वो बस पास का डेट ख़त्म हो जाता बिफोर कॉलेज कंप्लीट होने के बिफोर ही बस पास का ख़त्म हो जाता। इसलिए यस कंपेयर टू बोल तो कॉलेज कब स्टार्ट होता और बस पास कब देना, उसको थोड़ा कंपेयर करके स्टूडेंट लोगों को बस पास देना बोल के एबीवीपी आग्रह करता है। और जब विद्यार्थी लोगों के हॉस्टल समस्या बोले तो आए तो विद्यार्थी लोगों को जो कुछ भी मूलभूत सौकर्य है वो हॉस्टल में नहीं मिल रहा है। विद्यार्थी परिषद यही आग्रह करता है, अभी 2 साल से 1 साल से नहीं मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है एक लोगों को मिलता है एक लोगों को नहीं मिलता, ये क्या चल रहा है। सभी विद्यार्थी को सब एक ही दृष्टि में देखना चाहिए, सभी को सभी फैसिलिटी मिलना चाहिए बोल के एबीवीपी आग्रह करता है। और विद्यार्थी लोग राज्य भर में देखे तो 2500 हॉस्टल्स है, फिर बाद में उस हॉस्टल में विद्यार्थी लोगों को फैसिलिटी बोले तो 250,000 विद्यार्थी लोगों को रखने का फैसिलिटी है, फिर भी पिछले साल 90,000 विद्यार्थी लोगों को हॉस्टल नहीं मिला है। वो विद्यार्थी लोग कहाँ रहना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, यहाँ विषय के बारे में सरकार और ऑफिसर लोग भी विचार करना चाहिए बोल के विद्यार्थी परिषद आग्रह करता है, विनंती करता है। धन्यवाद। तो कितने दिन में आप प्रोटेस्ट करना है? जी पिछले बार हम जून 26 और जुलाई 3 को भी हम प्रोटेस्ट किए थे, उनका रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं था, इसलिए हम इस बार जो जिला उस्तुवारी सचिव है उनके ऑफिस के सामने बड़े प्रमाण में आंदोलन रचे है। हमारा डिमांड इतना ही है, विद्यार्थी लोगों को स्पंदन करो, विद्यार्थी लोगों का समस्या के बारे में विचार करके उसको सॉल्व करने का प्रयत्न आप करना चाहिए बोल के हम विनती करते हैं। अधिकारी लोगों को विद्यार्थी लोगों को कुछ नहीं समझते उनका बोले तो सिर्फ प्रेस में बोलते हैं विद्यार्थी राष्ट्र शक्ति है, शक्ति का उद्धार करने के लिए थोड़ा उनका फैसिलिटी बेसिक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने का जवाबदाही तो इस राज्य के सरकार का और अधिकारी लोगों का रहता है, उसके बारे में आप लोग सोचना चाहिए बोल के विद्यार्थी परिषद आग्रह करता है। अभी विद इन 1 वीक उन्हें सॉल्व करने का प्रयत्न करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी और उस रिलेटेड डिपार्टमेंट के उस्तुवारी को बुलाकर जो कुछ भी समस्या है उसको सॉल्व करना कैसे करना बोल के उन्हें प्रेस में अपना मीटिंग करके विद इन 1 वीक दे शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। विद्यार्थी लोग अभी बड़े प्रमाण में आंदोलन रचेगा, जब तक विद्यार्थी लोगों को न्याय नहीं मिलेगा विद्यार्थी लोग प्रोटेस्ट करते ही रहेगा बोल के हम बोल सकते हैं। कलबुर्गी शाखे वैसे थे, आज प्रेस मीट किया, क्या 2-3 विषय है कल, 2-3 विषय, एक हॉस्टल समाज और एक बस पास और एक रूप विश्वविद्यालय का वेड़ापट्टी। जुलाई 9 को तारीख तो एबीवीपी हम पिछले 2 बार प्रोटेस्ट किया, जून 26 और जुलाई 3 तारीख को, अभी तक कोई गवर्नमेंट इसका रिस्पॉन्स नहीं किया, इसलिए तो हम 12 तारीख तो ईडी राज्यद्यंत से हम जिला स्तर सचिव का कचहरी से सामने होराट कर रहे हैं, प्रतिभटन कर रहे हैं। आपके डिमांड्स क्या क्या हैं? हमारा गरीबी लोग नगर के शिक्षण के क्षेत्र के आते हैं, इसलिए तो प्रति गांव से नगर का आने स्टूडेंट को बस पास बस मिलने हैं,
फिर बस पास का वेड़ा पट्टी से बस करे तो अच्छा हो जाए। बस पास में क्या प्रॉब्लम होगा? बस पास में तो रेगुलर नहीं है जी, क्या है यूनिवर्सिटी का डेट अलग रहते हैं, बस का डिपार्टमेंट का अलग डेट रहते हैं, फिर डिफरेंस हो रहा है स्टूडेंट का उस बारे में, कॉलेज टाइम और बस का टाइम। स्कॉलरशिप का क्या प्रॉब्लम है? पिछले 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं जमा है क्या? कल्याण निधि, विद्यार्थी विद्यानिधि और कार्मिक विद्यानिधि, तो हॉस्टल में रहे एससी एससी टीएसपी का स्टाइपेंड रहता है ना, उसका भी अभी जमा नहीं है, इसलिए तो स्टूडेंट का शिक्षण के स्कॉलरशिप बारे में आते हैं, स्कॉलरशिप मिलते हैं हम शिक्षण पढ़ने के लिए, इसलिए तो स्कॉलरशिप नहीं मिले। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एमएसके मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल एट मुस्लिम चौक बिजगोरी, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स यदुला कॉलोनी एंड अल शरई पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। एडमिशन आर ओपन, कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स।